हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सुमित्रा इंग्लिश ट्यूटोरियल्स। बच्चों टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोनाउन। सो इफ यू वांट टू गेट द क्लियर कट नॉलेज ऑफ द प्रोनाउन स्टिक टू माय वीडियो टिल द एंड। ओके गाइस, प्रोनाउन जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच फैमिली का सेकंड जो है वो चाइल्ड है। फर्स्ट जो चाइल्ड था इसका बड़ा ब्रदर जो था, अबाउट दैट वी हैड ऑलरेडी डिस्कस इन माय प्रीवियस वीडियो, दैट वाज नाउन। तो जैसा कि रेड उसमें आप देख रहे हैं सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड भी है। जब हमने किया था देन आई टोल्ड यू कि ये सब्स्टिट्यूटिंग क्यों कहलाता है, बिकॉज इट कम्स इन प्लेस ऑफ अ नाउन। ठीक है, तो ये उसकी जगह आता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो द मीनिंग ऑफ प्रोनाउन। ये दो वर्ड से बना है बच्चों, प्रो प्लस नाउन। ओके, प्रो का मीनिंग होता है फोर के लिए, और फोर मीन्स फोर प्लस नाउन, इट मीन्स की फोर अ नाउन। मीन्स प्रोनाउन वो वर्ड है जो नाउन के लिए यूज होता है एक सेंटेंस में। ओके चलो हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मेहुल इज प्लेइंग बिकॉज ही हैज, सॉरी यहां पे मुझे ही लिखना है, ठीक है। सो बिकॉज मेहुल हैज डन मेहुल्स होमवर्क। ठीक है, होमवर्क। देखो आपको कैसे लग रहा है सेंटेंस, इसमें हमने मेहुल का कितनी बार नाम लिया है, मेहुल इज प्लेइंग, मेहुल खेल रहा है। बिकॉज क्योंकि मेहुल ने अपना, मेहुल ने मेहुल का काम कर लिया है। तो हाउ मेनी टाइम्स अ नाउन हैज अकर्ड इन दिस सेंटेंस, थ्री टाइम्स आया है। क्या ये सही लग रहा है? नो, कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो क्यों गड़बड़ लग रहा है? क्योंकि हमें हर जगह हम हर एक का नाम लेंगे तो इट बिकम्स वेरी रिपीटेटिव एंड इट डजंट साउंड वेल। तो इसकी जगह हमें क्या करना है, एक बार जब नाउन आ जाता है सेकेंड टाइम हम उसको प्रोनाउन करेंगे, तो ये जो नाउन है इसको रिप्लेस कौन करेगा, प्रोनाउन। तो क्या करेंगे, मेहुल इज प्लेइंग बिकॉज मेहुल की जगह वी विल राइट हियर ही हैज। ओके, मेहुल का हमने लिया ही हैज, और अगेन यहाँ पे क्या करेंगे, हिज वर्क। ठीक है, हिज वर्क। तो ये जो ही है और हिज है, इन दोनों ने जो क्या है इस सेंटेंस में नाउन को रिप्लेस किया है, उसके सब्स्टिट्यूट वर्ड के रूप में यूज हुए हैं। और जो भी फॉरेन नाउन यूज होते हैं इन द सेंटेंस दैट हैज ऑलरेडी यूज इन द सेंटेंस प्रीवियसली, उसके लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं। तो गाइस आपको क्लियर हो गया होगा, ही एंड हिज, दीज टू आर द प्रोनाउन। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के टाइप्स एज आई हैव ऑलरेडी रिटन ओवर हियर, देयर आर सेवन टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। या अगेन मैं कहूंगी कि ये जो सेकंड ब्रदर है पार्ट्स ऑफ स्पीच फैमिली का, उसके कितने बच्चे हैं, सेवन। ओके, तो फर्स्ट कौन सा है गाइस, पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड वन इज इंडेफिनिट प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, देन इंटरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। सो वन बाय वन अब हम इनके बारे में जानते हैं। ओके, फर्स्ट वन जो है दैट इज पर्सनल प्रोनाउन। जैसे कि पर्सनल इज मेड अप ऑफ पर्सन, तो पर्सन का मतलब क्या होता है, व्यक्ति। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति के लिए आता है पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, सो इट रेफर्स टू ऑल द थ्री पर्सन्स, ऑल द थ्री पर्सन्स। अब कौन कौन से होते हैं, एक होता है फर्स्ट पर्सन, लिखते हैं ना हम, फिर सेकंड पर्सन, और थर्ड जो है थर्ड पर्सन। अभी मैंने इतना दूर दूर क्यों लिखा है, इसका लॉजिक भी आपको समझ में आएगा। फर्स्ट पर्सन में भी सिंगुलर है ना, सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, प्लूरल। अब देखो फर्स्ट पर्सन कौन होता है, फर्स्ट पर्सन इज ऑलवेज अ स्पीकर, द स्पीकर जो बोलने वाला है वो हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है। यहां पे जैसे मैं बोल रही हूं तो अकॉर्डिंग टू मी आई एम द फर्स्ट पर्सन। तो जब ये क्या है, द स्पीकर, जो स्पीकर है दैट इज ऑलवेज अ फर्स्ट पर्सन, उसके लिए हम यूज क्या करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं सिंगुलर में, तो हम बोलेंगे फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में आ जाएगा आई, मी, माई, माइन, है ना, एटसेट्रा। और इसी तरह से इसके प्लूरल में हम क्या बोलेंगे बेटा, इसके प्लूरल में आ जाएगा वी, हम। ठीक है, आर, हमारा, आर्स, ये पजेसिव में आ गया। इसी तरह से हम इसको ले सकते हैं, ठीक है, वी, आर, आर्स, एटसेट्रा। तो ये हो गया हमारे
पर्सनल प्रोनाउन में। नाउ कम टू द सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कौन सा होता है बेटा? सेकंड पर्सन इज सेकंड पर्सन द स्पीकर विद होम द स्पीकर इज टॉकिंग टू, जिसके साथ स्पीकर बात कर रहा है। अब मैं आपके साथ बात कर रही हूं तो मैं आपको बार बार क्या बोलूंगी? यू। ठीक है, तो यहां पे क्या है? अबाउट या जिसके, इसके लिए हम बोलेंगे द स्पीकर इज टॉकिंग टू होम, जिससे बात कर रहा है। ठीक है, तो है आई एम टॉकिंग टू यू। तो यहां पे इसमें भी देखो बच्चों, यू जो है वो एक ही है, यू एंड योर्स। सिंगुलर में भी यू को लाएंगे हम, ठीक है, और योर्स आ जाएगा, और प्लूरल में भी, ये मीन्स ये दोनों में यूज होता है। प्लूरल प्रोनाउन में इसमें भी यू होता है एंड योर्स होता है। इट मीन्स ये एक ऐसा प्रोनाउन है जो सिंगुलर के लिए भी यूज हो रहा है और प्लूरल के लिए भी। अगर एक है तो मैं उसको भी बोलूंगी आप, यानी तुम। और जैसे कि मैं यहां पे कितने सारे आप लोग देखेंगे, आई एम एड्रेसिंग यू ऑल एज यू, तो ये क्या है? दिस इज द सेकंड पर्सन, ठीक है, जिससे बात की जाती है। तो मैं आप लोगों से बात कर रही हूं, क्लियर? नाउ कम टू द थर्ड वन। थर्ड जो पर्सन होता है बच्चे, थर्ड पर्सन सोचो, दो पर्सन है, मैं हूं और आप हैं, ठीक है, हम दोनों तो बात करें। मैं हो गई स्पीकर इज द फर्स्ट पर्सन, आप हो गए यू एंड योर सेकंड पर्सन। तो हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं और वो कोई जो है वो हमारे बीच में नहीं है, ठीक है, वो थोड़ा दूर हो सकते हैं, मे भी हम उनके बारे में पास की कोई बात कर रहे हैं, तो उनको हम हमेशा, तो ये क्या है? द स्पीकर इज अबाउट टू, मतलब अबाउट टू होम, जिनके बारे में, अबाउट होम द स्पीकर इज टॉकिंग। तो वो क्या हो जाएगा? मैं इस थर्ड पर्सन इज नेवर स्टैंडिंग इन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड वन, इट इज द थर्ड पर्सन हु इज समवेयर एल्स, जो कहीं पे है, ठीक है। तो उसको हम थर्ड पर्सन को भी हम सिंगुलर और उसमें लेते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा? सिंगुलर एंड प्लूरल, एंड सॉरी आर फॉरगॉट टू राइट ओवर हियर, थर्ड पर्सन जो है अबाउट होम, अबाउट होम द स्पीकर टॉक्स, जिसके बारे में स्पीकर बात करता है, इज कॉल्ड द थर्ड पर्सन। क्लियर? तो यहाँ पे सिंगुलर में कौन कौन सा आएगा बच्चों? देखो ही, वह, शी, फेमिनिन के लिए, इट, थिंग्स के लिए। इसी तरह से ही का और क्या हो जाता है? हिम, हिज, है ना, शी का हो गया हर, और हर्स पोजेसिव में, और इट्स, ठीक है। नाउ प्लूरल में कौन कौन से आते हैं? प्लूरल में आते हैं ज्यादा, मीन्स दे, ठीक है, देम, देयर, इवन देयर्स, एटसेट्रा, ठीक है, ये आपको समझ आया। तो पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हमने ये जाना, ठीक है। तो इट रेफर्स टू ऑल द थ्री पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। ओके, वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू। अब देखो, एक मैंने इट्स के बारे में, एक तो यू के बारे में आई हैव टोल्ड यू, यू जो है सेकेंड पर्सन, ये दोनों के लिए यूज होता है, सिंगुलर में भी आता है, दोबारा से आपको ब्रीफ कर रही हूं, और प्लूरल में भी आता है, ठीक है। एक चीज दैट आई, जिसमें मैंने देखा है बच्चे, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। देखो, कल हमने क्या किया था? एक तो ये इट्स है, समझ आ रहा है? इट जो है, इट हमेशा किसके लिए यूज होता है? एक तो ये सोचो, इट जो है न्यू बोर्न बेबीज के लिए होता है, जो नवजात बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, न्यू बॉर्न बेबीज के साथ, ह्यूमन बेबीज हो, कोई भी हो, ठीक है। दूसरा आता है ऑल द एनिमल्स, चाहे वो छोटे हो, ठीक है, सॉरी एनिमल्स, एंड जो भी हमारा जो क्लाइमेटिक या जो भी हमारा वेदर कंडीशंस एक्सेट्रा होते हैं मौसम के लिए, ठीक है। तो वेदर एक्सेट्रा क्लाइमेट, इन चीजों के लिए भी यही आता है। जैसे हम बोलते हैं ना, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, तो इट यहाँ पे एक डमी प्रोनाउन है, वो भी आपको मैं बताऊंगी। डमी क्यों है? क्योंकि रेनिंग, इसका इम्पैक्ट उसके ऊपर नहीं पड़ रहा है, आई विल टेल यू लेटर ऑन। तो इट जो है वो, एक तो ये समझना है, सेकंड अब आपको समझना है व्हाट इज दिस, ये क्या है? ये प्रोनाउन है, एज आई जस्ट टोल्ड यू, और कौन सा है? थर्ड पर्सन में है, और ये सिंगुलर में आता है, क्लियर। एक तो ये तो हो गया प्रोनाउन, तो ये क्या है एक्चुअली? ये जो है ना, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है इट इज, समझ आ रहा है? तो ये जो है, यहाँ पे पोस्ट्रोफी लगा के एस लगाया, तो ये
इट इज होता है. क्लियर. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज अ इनडेफिनेट वन. आई थिंक आपको फर्स्ट वाला पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा. अब जो सेकेंड वन है इनडेफिनेट, देखो डेफिनेट होता है बिल्कुल डेफिनेट, अबाउट विच वी आर कन्फर्म्ड, वी नो कि वो कितने हैं, कहाँ है, लाइक दिस वन. निश्चय, निश्चय वाचक जिसको बोलते हैं. इनडेफिनेट, इन प्लस डेफिनेट, इनका मीनिंग बना नॉट, यानी जो डेफिनेट नहीं है. तो इनडेफिनेट जो प्रोनाउंस होते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउन रेफर्स टू द थिंग्स दैट आर नॉट पार्टिकुलर, जो विशेष नहीं है या फिर जो स्पेसिफिक नहीं है. ठीक है, स्पेसिफिक नहीं है. ठीक है, तो इनडेफिनेट प्रोनाउन. अब ये कौन कौन से होते हैं देखो, इसमें भी, इसमें हमारे होते हैं इनडेफिनेट में, इसको आप बोल सकते हैं, जैसे हम एक लेते हैं ऑल, सम, नन, ओवरऑल, तो एक ये दे दिया, ये इनडेफिनेट है. और मीन सभी, कुछ, कोई भी नहीं. ठीक है, एक आ गया, हम इसको लेते हैं जैसे एवरी के आगे कुछ भी आप लगाओ, तीन चीज लगते हैं, एवरी वन, एवरी बॉडी, ठीक है, और एवरी एवरी वन, एवरी बॉडी एंड एवरी वेयर, आप कुछ भी लगा दो. ठीक है, एवरी वेयर, लाइक दिस वन. तो ये जो चीज है इनके आगे ये लग गए, तो ये बन गया एवरी वन. ऐसे ही है एनी वन, एनी बॉडी, ठीक है, एनी बॉडी, एनी वेयर. वेरी सिंपल, इसको अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली समझो, एवरी वन, एनी वन. और इसमें ऐसे ही हम नो का भी लिखते हैं, नो वन, ठीक है, इसको थोड़ा सा, नो वन, नो बॉडी, नो वेयर. क्लियर. तो ये सारे जो है इसके बारे में, ऐसे ही हम सम के आगे भी कर सकते हैं, समबड़ी, जैसे सम था ना, समबड़ी. क्लियर. तो ये जो है ये इनडेफिनेट है, इनके बारे में हमें नहीं पता है. अगर एक दो मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊं, तो व्हाट डज इट मीन, जैसे मैंने लिखा समबड़ी इज नोकिंग एट द डोर, कोई दरवाजे पे खटखटा रहा है, तो हमें नहीं पता हु इज दैट पर्सन, वी आर नॉट डेफिनेट अबाउट दैट पर्सन, दैट्स व्हाई समबडी हो गया हमारा इनडेफिनेट प्रोनाउन. समझ में आ गया बच्चों. इसी तरह से नबडी विल हेल्प यू इफ यू फॉल इन टू एनी प्रॉब्लम, अगर आप किसी प्रॉब्लम में आते हैं तो नबडी विल हेल्प यू, कोई भी, नबडी, कोई भी तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा. ठीक है, और नबडी के साथ बच्चों, नबडी ऑलरेडी नेगेटिव में आया है, तो इसके साथ दोबारा से नोट लगाने के देर इज नो रिक्वायरमेंट. ठीक है, तो नबडी मीन्स नो वन विल कम टू यू. ओके, क्लियर हुआ ये भी. नाउ कम टू द थर्ड कैटेगरी, एंड व्हाट इज द थर्ड कैटेगरी, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं बच्चों, थर्ड वन, आई एम कमिंग टू दिस वन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. अब अगेन मेरी ये हैबिट है, इट्स माई हैबिट कि हम रूट वर्ड पे जाते हैं. डेमोन्स्ट्रेट का मीनिंग होता है डेमो देना, मीन्स टू रेफर, पॉइंट आउट करना, संकेत देना, या संकेत वाचक प्रोनाउन. ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव जिसको हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, और हम जब भी इशारा करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, किससे करते हैं, फिंगर से, वहां पे रखी है, ये रखी है, लाइक दिस वन. ठीक है, तो ये ना सिर्फ चार है, कौन कौन से है, दिस, दैट, दीज एंड दोज, ये चार ही है डेमोन्स्ट्रेटिव. क्योंकि हम बोलते हैं ना, दिस इज माय बुक, तो सपोज करो जो इनको ना हम फार और नियर उसमें कर लेते हैं, डिस्टेंस को शो करते हैं. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इट रेफर्स टू डिस्टेंस ऑल्सो, कि कोई चीज हमारे पास है या हमसे दूर है. तो यहां पे सपोज करो फार के लिए अगर मैं लिखूं दिस इज माई बुक, ये मेरी बुक है, ये तो हो गया नियरनेस को शो करने के लिए. ठीक है, नजदीक है, तो ये मेरी बुक है, हम उंगली, ये मेरी बुक है, हमने पॉइंट आउट किया फिंगर से. दूसरा, मैंने फार के लिए दिस की जगह हम दैट लगा सकते हैं, दैट इज माई बुक, जो भी है, या योर बुक, कुछ भी आप लिख सकते हैं, तो वो भी मेरी बुक है. ठीक है, तो दैट जो है वो
फार के लिए यूज हो रहा है, और इसकी एक कैटेगरी और भी बन रही है बच्चों, दूर और पास के अलावा ये सिंगुलर भी है दोनों, दिस और दैट, ये दोनों भी किसके लिए यूज होते हैं, सिंगुलर के लिए, एक ही बुक है, और यहाँ पे माई भी आगे देखो पर्सनल प्रोनाउन प्रोनाउन, ठीक है, तो दिस एंड दैट। नेक्स्ट है दीज, अब दीज भी आपको पता है, ये भी एक तो नियरनेस में शो करेगा, नजदीक, दीज आर माय टॉयज, ये मेरे खिलौने हैं, दीज, और एक किस में आ गया, प्लूरल में आ गया ये, ठीक है, प्लूरल में, दूसरा आ गया दोज आर योर टॉयज, वो तुम्हारे टॉयज हैं, तो दोज एंड दीज, समझ आ रहा है, ये प्लूरल में भी आया है, एक कैटेगरी प्लूरल की होगी इसमें, एक होगा फार और नियर वाला, तो ये चार जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इट्स वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल, बस ध्यान रखना है कि जिनको हम फिंगर से पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये मेरी है वो तुम्हारी है, लाइक दिस वन, दिस दैट दीज दोस, क्लियर, वेरी नाइस, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज ऑल्सो वेरी इजी, एंड विच वन इज दैट, वो है हमारा इंटरोगेटिव, सो फोर्थ वन इज, दिस वन इज ऑलरेडी रिटन ओवर है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव का मीनिंग क्या होता है, टू आस्क अ क्वेश्चन, टुडे इज अ क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछना, तो एज इज इट्स मीनिंग अकॉर्डिंग इट फंक्शंस इन अ सेंटेंस, इट इज ऑलवेज यूज, इंटरोगेटिव प्रोनाउन्स आर दोज प्रोनाउन्स व्हिच आर यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछते हैं, और क्वेश्चन किससे पूछते हैं, हम हु है ना, वेयर, जिनको हम बोलते हैं ना डब्ल्यूएच फैमिली वाले, तो हु वेयर होम या होम सो एवर वट एवर, जो भी आता है इसके साथ आप ये भी लिख सकते हैं, होम सो एवर या होम एवर एटसेट्रा, ये जो है मेन, इनको देखो वॉट भी आता है, ठीक है, होम वैन वेयर वॉट एटसेट्रा, इनसे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे हु इज देयर, वहां पर कौन है, हु इज देयर, ठीक है, वहां पे कौन है, तो ये हु क्या है, वी आर रेजिंग अ क्वेश्चन, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसी तरह से अगर हम ये बोले कि हुम डिड यू सी यस्टरडे, कल तुम किससे मिले थे, ठीक है, तो हमने क्या क्वेश्चन किया, किससे मिले थे, हुम, वी आर आस्किंग क्वेश्चन, वेयर यू आर गोइंग, आप कहां जा रहे हैं, वेरी सिंपल, तो ये है इंट्रोगेटिव वन, क्लियर, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट वन इज रिलेटिव प्रोनाउन, और बच्चों रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो पहले मैं आपको रिलेटिव का मीनिंग बताती हूं, फिफ्थ वन इज रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, तो इसमें क्या है, रिलेटिव किससे बना है, रिलेट करना, रिलेशन, रिश्ता बनाना, समझ आ रहा है ना, रिलेटिव से क्या बना, रिलेशन भी बनता है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस में किसी दूसरे सेंटेंस के साथ रिलेट करता है, तो रिलेटिव प्रोनाउन्स आर दोज प्रोनाउन विच कनेक्ट द नाउन टू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, जो दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं रिलेटिव, तो इट रेफर्स या इट कनेक्ट्स, करो इसको, ठीक है, इट कनेक्ट्स टू फ्रेजेस भी बोल सकते हो, फ्रेजेस होता है ग्रुप ऑफ सॉरी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और टू सेंटेंसेस बोल सकते हो, ठीक है, तो ये वो होता है, फॉर एग्जाम्पल इसमें भी कौन कौन से आते हैं, रिलेट करना, तो इसमें भी देखो अभी आप कंफ्यूज हो गए, बट आई विल क्लियर योर कंफ्यूजन, ये भी हु आता है ना, अभी जैसे उसमें इंट्रोगेटिव आया था, वेयर आता है, ओके, हुम आता है, एटसेट्रा जितने थे ऑलमोस्ट इसमें भी आते हैं, लेकिन इनका फंक्शन डिफर है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हम एक है सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर जैसे हम फंक्शन करते हैं अकॉर्डिंगली हमारा जो है वो नेम पड़ जाता है, तो यहाँ पे ये हु होम वेयर व्हाट ये जो भी है ये क्या बन जाता है रिलेटिव, क्योंकि ये रिलेट करते हैं एक नाउन फ्रेज या दूसरे उस सेंटेंस को दूसरे उससे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ कनेक्ट करते हैं, और उसमें जो है वो क्वेश्चन पुट करता है, तो इसमें जैसे मैंने लिखा दिस is the girl whom, this is the girl whom I taught, ठीक है, ये वो लड़के जिसको मैंने पढ़ाया था, ठीक है, अब यहां पे एक चीज देखो, मैंने बोला whom क्या है,
ये रिलेटिव प्रोनाउन कैसे बना बच्चों, रिलेटिव प्रोनाउन इसको ध्यान से समझना है, ये इसमें ना कंफ्यूज होता है बच्चों को, कंफ्यूजन होता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन ये देखो क्या कर रहे हैं, दिस इज अ गर्ल और दूसरे क्या हो गया आई टोट, तो होम आई टोट इज अ सेपरेट फ्रेज हो गई एंड दिस इज अ गर्ल इज अ सेपरेट सेंटेंस या फ्रेज हो गई। तो ये जो होम है ये किसके लिए आया है, इट रेफर्स टू द गर्ल विच इज अ नाउन, है ना। तो कह रहे कि मैं उस लड़की से मिला, किससे, होम, जिसको आई टोट, जिसको मैंने पढ़ा है। तो ये होम जो है लास्ट ऑफ द सेंटेंस जो है इसको कनेक्ट कर रहा है विद द फर्स्ट ऑफ द सेंटेंस, समझ आ गया, तो दोनों को कंबाइन कर रहा है। लेकिन उसमें मैंने लिखा था, देखो उसमें आपको समझ में आया, इंट्रोगेटिव में मैंने कहा था होम डिड यू सी यस्टरडे, तो उसमें क्या है, उसमें हमने क्वेश्चन रेज किया था। तो यहां पे अगर क्वेश्चन की फॉर्म में आता तो वही होम जो है वो क्या बना, इंट्रोगेटिव, इंटरोगेटिव, बट हियर इट वर्क्स एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। तो ओनली दिस वन बेसिक डिफरेंस इज देयर इन बिटवीन द रिलेटिव प्रोनाउन एंड द इंटरोगेटिव प्रोनाउन, क्लियर गर्ल। ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट वन इज व्हाट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब ये जो दो है ना लास्ट के, इनको भी डेलिबरेटली आई हैव टेकन इन द एंड, क्योंकि इसमें भी बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है बच्चों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दैट इज कॉल्ड इन हिंदी निज, अपने लिए जो आता है, ठीक है। तो निज वाचक प्रोनाउन इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन कौन से होते हैं यार, इसको हम क्या बोलेंगे, वेयर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इट रेफर्स टू द सब्जेक्ट इट्सेल्फ, यानी सब्जेक्ट को ही रेफर करता है, मीन्स इट्स इट अफेक्ट्स द सब्जेक्ट इट्सेल्फ, इसमें सब्जेक्ट जो काम करता है और उसका जो एक्शन होता है वो उसी को इफेक्ट डालता है, किसी और को नहीं, इट्सेल्फ, ठीक है। तो इट अफेक्ट्स द सब्जेक्ट इट्सेल्फ। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं यहां पे, इसके भी दो चीजें हैं, जैसे मैं लिखती हूं माई के साथ हम लगाते हैं माई सेल्फ, है ना, ये हो गया आपका सिंगुलर में, सिंगुलर में माई सेल्फ, ठीक है, मैंने खुद वाली जो चीज आती है। फिर आता है आर सेल्फ, ये उसमें आता है, वैसे इसमें लिखो आप योर सेल्फ, देन प्लूरल में आपका आ जाएगा इसी तरह से। फॉर एग्जाम्पल आर के साथ आर सेल्स लगता है, इसको ध्यान रखना बच्चों, जो सिंगुलर होते हैं उनके साथ एस ई एल एफ सेल्फ, और जो प्लूरल होता है आर में ज्यादा हो गए सेल्स लग जाता है, एफ को रिमूव करके वी ई एस, जो कि रूट्स के अकॉर्डिंग में, ठीक है। आर सेल्स, दे का क्या बन गया देम सेल्स, तो दे भी ज्यादा है सेल्स लगाएंगे, है ना। और इसी तरह से ही के साथ क्या लगाएगा हिमसेल्फ, एक है ना हिमसेल्फ, इसी तरह से ऊपर लिखे हर का शी का हर सेल्फ, ठीक है। और इट भी सिंगुलर में आता है तो इट्सेल्फ, ठीक है, और जहां पे प्लूरल आता है देमसेल्स आरसेल्स, क्लियर, तो ये आता है उसके लिए आता है, दीज आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब मैं आपको एक चीज और बताती हूँ इसी के साथ, पहले मैं इम्फेटिक भी लाती हूँ, देन आई विल कंपेरेटिवली जो है गिव यू द एग्जाम्पल्स। सो कम टू द नेक्स्ट वन, अभी इसको मैं छोड़ रही हूँ एक मिनट के लिए, तो यू कम टू द नेक्स्ट वन, व्हाट इज दैट एम्फेटिक, एम्फेटिक। अब बेटा एम्फेटिक जो है वो प्रोनाउन क्या होता है, एम्फेटिक को हम बोलते हैं दृढ़ता पूर्वक, जिस बात को बोलते हैं ना, जिसके ऊपर हम एम्फेसाइज करते हैं, वेयर वेयर इट एम्फेसाइज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करता है, उसको प्रेशराइज करता है, सेम यही होते हैं माई सेल्फ ये, लेकिन उसका फंक्शन अलग होता है, कैसे, आई एम टेलिंग यू ओवर हियर। सो सपोज करो यहां पे मैंने लिखा एम्फेटिक, ओके प्रोनाउन, और इधर मैंने लिख दिया रिफ्लेक्सिव, है ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये थे निजवाचक, जिसको बोलते हैं निजवाचक, इससे थोड़ा सा शायद आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। एम्फेटिक आई मीन्स दृढ़तापूर्वक हम अपनी बात को बताते हैं। यहां पे सब्जेक्ट जो काम करता है उसका असर भी सब्जेक्ट पे होता है, बट यहां पे वो बता रहे कि काम मैंने किया, जैसे कैसे शी हर सेल्फ डिड दिस वर्क। तो यहां पे शी हर सेल्फ, उसने खुद ये काम किया, ठीक है, और यहां पे मैं लिखूंगी शी डिड
दिस वर्क हर सेल्फ। देखो यहां पे एक कॉमन से मैं आपको बताती हूं क्या फर्क है, आप इसको बड़े इजीली समझ सकते हैं। जब ये रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिव, जब ये रिफ्लेक्सिव जो भी प्रोनाउन है अगर वो आपके प्रोनाउन या उसके साथ आता है या नाउन के साथ लगता है एकदम से, जैसे शी के जस्ट बाद आ गया हर सेल्फ, तो वहां पे एम्फेटिक, ये शी को और एम्फेटिक प्रेशराइज कर रहा है कि उसने खुद किया, उसने ये काम खुद किया। और यहाँ पे शी डिड दिस वर्क हरसेल्फ, उसने ये काम खुद किया, उसमें खुद बाद में आ रहा है। तो अगर उसने वो काम किया उसका जो इफेक्ट हुआ वो उसी को होगा। और यहाँ पे वो कह रहे कि ये काम उसी ने किया किसी और ने नहीं किया, तो ये क्लियर कट वो है बेटा। इसमें जो है हरसेल्फ जो है इट जस्ट अपार्ट फ्रॉम द नाउन एंड प्रोनाउन, बट हियर इट इज यूजिंग जस्ट आफ्टर द, इट इज यूज जस्ट आफ्टर द प्रोनाउन। क्लियर? ऐसे ही हम कह सकते हैं ही himself teaches all the students या children लिखो यहाँ पे, children ही है क्योंकि professionalism की बात नहीं हुई यहाँ पे। तो वो खुद सभी को पढ़ाता है, उसको किसी ने बोला नहीं है। एक teacher है, चलो हमारी एक profession भी है, शौक भी होता है। तो यहाँ पे he himself teaches all the, तो himself जो again it comes along with pronoun and noun, तो ये बता रहे कि उसने खुद, nobody has asked him to teach, it's वो उसने खुद किया। या इसमें हम कहेंगे he teaches all the जो भी children या students himself। तो हो सकता है यहाँ पे जो हिमसर दूर आया है तो उसने जो पढ़ाया, हो सकता है बच्चे उससे पास हुए फेल हुए, उसका इम्पैक्ट जो है वो इसके ऊपर आया। यहाँ पे इम्पैक्ट वाली कोई बात नहीं है, समझ आए? तो दिस इज ऑल ओवर, दीज वर ऑल द प्रोनाउन। तो एक एक करके हमने सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड या प्रो प्लस नाउन फॉर अ नाउन कंप्लीटली वी हैव नोन अबाउट ऑल द थिंग्स। ओके, लेट्स हैव अ प्रैक्टिस सेशन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट सेंटेंस, आई myself saw the policeman coming. आई myself, मैंने खुद पुलिसमैन को आते हुए देखा। तो इसका आई के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, लेकिन आई इसके साथ आया था, मैंने आपको क्या बोला था, ये क्या बन जाता है, एम्फेटिक। ओके, ठीक है, saw the policeman coming, मैंने पुलिसमैन को खुद आते हुए देखा। नेक्स्ट है, they have to blame themselves for their mistakes. अब they हो गए एक तो प्रोनाउन और आगे यहां पे themselves, तो themselves उन्हें अपनी मिस्टेक्स के लिए खुद अपने आप को दोषी मानना पड़ेगा। तो दे जो है उसका एक तो सिंपल सा सोचो कि उसका इफेक्ट पड़ रहा है, जो एक्शन उन्होंने किया उसका इम्पैक्ट भी सब्जेक्ट पे पड़ रहा है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। और वैसे भी उससे अपार्ट है, दूर है दे और उसके बीच में। बोथ द बुक्स आर गुड, दोनों ही बुक्स जो है वो सही है, बट दिस इज बेटर देन दैट। तो यहाँ पे दिस और दैट एक नियर को शो कर रहा है और एक फार, तो ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव है ना, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। थर्ड वन, विच इज योर बुक, वेरी सिंपल क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड, तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट हो गया द काउ विच वी बोट लास्ट मंथ हैज गोन ड्राई, गोन ड्राई होता है अब वो दूध नहीं देती है, तो जो गाय हमने लास्ट मंथ खरीदी थी वो अब सूख गए, में सूख नहीं देती। तो यहाँ पे द काउ क्या है, काउ इज अ नाउन, ठीक है। और मैंने बोला था रिलेट करना, रिलेशन, तो यहाँ पे विच वे बॉट लास्ट मंथ, जिसको हमने लास्ट मंथ खरीदा, तो ये विच बॉट लास्ट मंथ, दिस इज अ अनदर मीन्स फ्रेज। और यहाँ पे विच जो है इट कनेक्ट दिस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विद दैट ऑफ द नाउन, तो ये क्या हो गया, रिलेटिव, रिलेट कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट वन, शी डिड नॉट बीट द चाइल्ड, उसने बच्चे को नहीं मारा, तो शी ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें क्या आ जाएगा, पर्सनल, ये पर्सन के लिए आया है, तो पर्सनल थर्ड पर्सन है और प्रोनाउन। कम टू द नेक्स्ट वन, आई नो द बॉय, आई नो द बॉय हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, मैं उस लड़के को जानती हूं जो क्लास में फर्स्ट आया, तो यहां पे भी नाउन इज द बॉय और जो भी है, और वो क्या कर रहा है, वो स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, ये जो रेस्ट ऑफ द बाकी का सेंटेंस है बॉय के साथ कनेक्ट कर रहा है, जो कनेक्ट करता है, रिलेट करता है, व्हाट इज दैट, रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, क्लियर? कम टू द नेक्स्ट वन, आई हर्ट मायसेल्फ, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई, अब चोट पहुंची तो मुझे क्या हुआ, दर्द हुआ, उस एक्शन का मेरे ऊपर इंपैक्ट पड़ा, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। ओके, ये रिफ्लेक्सिव,
और इसको बेटा बहुत अच्छे से समझना है। नेक्स्ट है वी हिड आवरसेल्फ्स, हमने अपने आप को छिपा लिया, तो ये भी सेम हो गया आपका रिफ्लेक्सिव है ये। इसके मैंने जानबूझ के आप लोगों को एग्जांपल ज्यादा दिए हैं सो दैट यू मे अंडरस्टैंड। नाउ द लास्ट वन इज दे देमसेल्फ्स हर्ड द वॉइस, इसको बड़े आराम से बता सकते हो देमसेल्फ्स इसका साथ आया है, साथ आता है तो उसको एम्फेटिक बना दिया है, फिर ये बन गया एम्फेटिक। ओके एम्फेटिक प्रोनाउन क्लियर। सो दिस इज ऑल यू गाइस आई थिंक हैव अंडरस्टूड ऑल दिस थिंग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड प्लीज ड्रॉप द कॉमेंट्स। थैंक यू।